सब्सक्राइब कीजिए हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल को और दबाइए बेल आइकन को इस चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं लॉजिटेक वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो की। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ये रहा लॉजिटेक वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो की पैकेज, और इसे मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, और इसका ऑनलाइन प्राइस है 1400 रुपीज। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी फटाफट इस पैकेज को ओपन कर लेते हैं। ये रहा लॉजिटेक वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो की बॉक्स। तो इसे अनबॉक्स करने से पहले इसकी मॉडल नंबर एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इस वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो की मॉडल नंबर है MK240। इस वायरलेस कॉम्बो में आपको स्पेस सेविंग कीबोर्ड मिलेगा, लॉजिटेक एडवांस 2.4 गीगाहर्ट्ज की वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगा जिसका रेंज है 10 मीटर और 33 फीट। और इस कीबोर्ड में एडजस्टेबल हाइट, स्पिल प्रूफ डिजाइन, 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस कनेक्टिविटी, 128 बिट EAS वायरलेस एनक्रिप्शन देखने को मिलेगा, और माउस में स्मूथ रेस्पॉन्सिव कर्सर कंट्रोल, ऑन ऑफ पावर बटन, स्क्रॉल व्हील देखने को मिलेगा। और 2 AAA बैटरी से ये कीबोर्ड 36 मंथ्स तक यानी कि 3 साल तक काम करेगा, और माउस 1 साल तक काम करेगा। विंडोज, क्रोम ओएस और एंड्रॉयड के साथ भी ये वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो अच्छे से काम करेगा। अभी फटाफट इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स में से आपको एक नैनो कीबोर्ड, एक नैनो माउस, एक टाइनी USB रिसीवर और 4 AAA बैटरी और एक पेपर वर्क मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं माउस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस माउस का बॉडी प्लास्टिक से बना है, और रेगुलर माउस से इस माउस का साइज थोड़ा सा छोटा है, और माउस की लेफ्ट एंड राइट बटन की क्वालिटी अच्छा है, और इस माउस का स्क्रॉल व्हील की क्वालिटी सबसे अच्छा है। स्क्रॉल व्हील के ऊपर एक रबराइज कोट है, और स्क्रॉल व्हील की सरफेस फ्लैट है, इसलिए स्क्रॉल व्हील के ग्रिप बहुत ही अच्छा है, और स्क्रॉल व्हील के ऊपर उंगली बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। माउस की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी स्पिल प्रूफ एंड ड्यूरेबल है, बट इस माउस की लुक खिलौना जैसा है, और माउस की ग्रिप भी अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से इस माउस की बॉडी थोड़ा सा स्लिपरी है, और माउस की ऑन ऑफ बटन अच्छा है, बट माउस में किसी भी तरह की ऑन ऑफ इंडिकेटर नहीं है, इसलिए हर एक बार माउस को ऑन करने के बाद माउस को मूव करके देखना पड़ता है ऑन हुआ या नहीं। माउस का बैटरी केस भी अच्छा है, और माउस के बैटरी केस के अंदर USB रिसीवर को रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस भी है जिसमें आप USB रिसीवर को सेफली रख पाएंगे। अभी बात करते हैं कीबोर्ड की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस कीबोर्ड की डिजाइन स्पिल प्रूफ एंड स्टाइलिश है, और ये एक नैनो स्पेस सेविंग कीबोर्ड है, इसलिए कीबोर्ड में आपको न्यूमेरिकल की, स्क्रीन लॉक की एंड प्रिंट स्क्रीन वाला की अलग से नहीं मिलेगा। स्क्रीन लॉक की, प्रिंट स्क्रीन की और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कीज आपको मिलेगा, बट वो सारे कीज आपको फंक्शन की के साथ मिलेगा। जो लोग अक्सर न्यूमेरिकल की को यूज करते हैं, ये डिजाइन उनके लिए नहीं है। एक्चुअली इस कीबोर्ड को इसलिए इस तरह से बनाया गया ताकि आप इस नैनो कीबोर्ड को लैपटॉप या टैबलेट के साथ कहीं भी कैरी कर पाए। और इस कीबोर्ड की ओवरऑल डिजाइन कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल है। इस कीबोर्ड की बॉडी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक से बना है, और इस कीबोर्ड की साइज 11.34 इंच बाई 5.47 इंच। कीबोर्ड की बैक साइड पे रबर पैड, एडजस्टेबल टिल्ट लेग एंड बैटरी केस है। इस कीबोर्ड की साइज स्टैंडर्ड है, एंड कीबोर्ड की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही यूनिक, ड्यूरेबल एंड हैसल फ्री है। और एक टाइनी USB रिसीवर सिंपल रिलायबल वायरलेस कनेक्शन बिल्ड करता है, और इस USB रिसीवर प्रीपेयर्ड है कीबोर्ड एंड माउस के साथ, इसलिए एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। USB रिसीवर को अटैच करने के बाद आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो लॉजिटेक की एडवांस 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस कनेक्शन अप टू 10 मीटर डिस्टेंस से काम करता है, और ये वायरलेस कनेक्शन बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करता है, इसलिए कीबोर्ड एंड माउस की परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की डिले नहीं होता है। और कीबोर्ड की बहुत ही स्मूथ है,
इट्स स्मूथ लाइक बटर। इस कीबोर्ड से आपको फास्ट एंड फ्लूइड टाइप एक्सपीरियंस मिलेगा और इस कीबोर्ड से मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और इस कीबोर्ड की टिल्ट लेग टाइपिंग को और भी कम्फर्ट बनाता है। माउस की परफॉर्मेंस भी अच्छा है, माउस की परफॉर्मेंस में भी डिले नहीं होता है और माउस की लेफ्ट बटन एंड राइट बटन बहुत ही स्मूथ परफॉर्म करता है और स्क्रॉल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इस माउस में सबसे स्मूथ की है स्क्रॉल की। अगर माउस की ग्रिप थोड़ा सा अच्छा होता तो कीबोर्ड की तरह माउस को भी यूज करके मैं सेटिस्फाइड फील करता। अभी अगर आप सोच रहे हैं इस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो को लेने के बारे में तो आपके लिए एक स्पेशल नोट है। इस कीबोर्ड की लेआउट में न्यूमेरिकल की अलग से नहीं मिलेगा और कीबोर्ड एंड माउस में किसी भी तरह की इंडिकेटर LED भी नहीं है। अच्छा बैटरी बैकअप देने के चक्कर में कंपनी ने कैप्स लॉक, स्क्रीन लॉक, इंडिकेशन LED भी गायब कर दिया है। बट इसके लिए मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम फील नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको भी नहीं होगा। तो 1400 रुपीज में मुझे अच्छा क्या क्या मिला? स्टाइलिश फील प्रूफ यूनिक डिजाइन, गुड बिल्ड क्वालिटी, गुड रिलायबल वायरलेस कनेक्टिविटी, स्पेस सेविंग नैनो पोर्टेबल कीबोर्ड विथ बटर स्मूथ की, गुड परफॉर्मेंस, कम्फर्ट टाइपिंग, अप टू 36 मंथ्स कीबोर्ड बैटरी बैकअप एंड 12 मंथ माउस बैटरी बैकअप एंड नाइस स्क्रॉल की। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।